हेलो फ्रेंड्स, 26 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर आपके सामने मैं लेके आया हूँ, RRC ग्रुप डी का। और ये पेपर थोड़ा इजी रहा और जो TCS है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से पेपर करवा रही है, और अभी तक तो कुछ पकड़ में नहीं आया है, लेकिन अभी आने वाले टाइम पे हो सकता है कि कुछ पेपर में गड़बड़ियाँ मिलें, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पेपर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 16 किसे संबंधित है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, ये ध्यान रखना। ये वाला लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है, जबकि ये फॉलो करना चाहिए कि लोक नियोजन से संबंधित है। अगला, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो ये ऑप्शन के ऊपर था कि कौन सा पंचमढ़ी में पाया जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1959 में हुई थी। ग्रामीण ओलंपिक अभी जो चल रहे हैं वो कौन से राज्य में शुरू किया गया है, राजस्थान में। और ठीक है, अगला, IIT मद्रास ने विकलांगों के लिए कौन सा रोबोट बनाया है, तो कदम एक IIT मद्रास ने विकलांगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए एक रोबोट बनाया है। अगला, हरियाणा सरकार ने COVID-19 की रोकथाम के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो बाल सेवा योजना शुरू की है। अगला, ICC महिला, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसने सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, तो जुलन गोस्वामी, ये भारत की हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खोली गई है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोली गई। खाद्य श्रृंखला के बारे में कौन सा कथन सही है, देखो खाद्य श्रृंखला किस तरह से चलती है, सबसे पहले उत्पादक होगा, फिर उसको खाने वाला शाकाहारी होगा, शाकाहारी को खाने वाला मांसाहारी होगा, और मांसाहारी का अपघटक होगा। ओके, अगला, ये देखो ब्लींचिंग पाउडर से संबंधित वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ, ब्लींचिंग पाउडर को अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा, क्लोरीन अलग होगा, क्लोरीन 17 अलग होगा। PbNO3 को गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ और क्या मिलेगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 मिलेगा। अगला, भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मैसूर कर्नाटका में है। कौन सी नदी बस्तर जिले से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, तो महानदी। ओके, ये महानदी संबंधित क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, ध्यान रखिए। अगला एक क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और उसमें कितने सूक्त हैं, और कितने मतलब कैसे कैसे डिवाइडेशन है, और सबसे मेन चीज़ है कि गीता ऋग्वेद से में ही उल्लेखित हैं, जो आपका क्या क्या उल्लेख है, ऋग्वेद हुआ, सामवेद हुआ, अथर्ववेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, किस किस के लिए जाने जाते हैं, ये आप पढ़ के जाइए, क्योंकि वेद से संबंधित अगर एक क्वेश्चन आया तो वेद से संबंधित अगला क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।